नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अभ्यास या सब चल रहा होगा, उम्मीद है मुझे। दोस्तों, कई मूवी सॉन्ग आप लोगों ने सुने होंगे, सारे गाने सुने होंगे, इसमें एक कई सारे पैटर्न बजते हैं जिसे हम लोग रिकॉर्डिंग की भाषाओं में कभी उसको बिस्सा, कभी सावन, कभी DBL, ये सब हमारे एक लैंग्वेज यूज होते हैं। और आप भी अपना लैंग्वेज बना सकते हैं, किसी भी ठेका को मैं बजाया और उसको समझने के लिए आप अपना एक लैंग्वेज बना सकते हो। जैसे DBL, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म बहुत हिट हुई थी, उसके गाना काफ़ी चर्चित था, इस कारण से उस पैटर्न को सबने DBL रख दिया। इस तरह से सावन एक ओल्ड सॉन्ग है, सावन का महीना पवन करे सो, तो लोगों ने उस पैटर्न को सावन रख दिया। तो इस तरह से कुछ ठेके हैं जिनको मैं एक्सरसाइज करने के लिए आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ कि किस तरह से आप भी इसको बजाएं और अपना लैंग्वेज में आप नाम दे सकते हैं इसको, चाहे वो आप सावन रखें, चाहे कुछ भी रखें, जो आपके समझ में आता है। तो आइए, सबसे पहले क्या था, मैंने एक पैटर्न नहीं बजा रखा, इसको क्या बोलते हैं, छपकी, छपकी या डफली। इस तरह का टोन आप डफली सुनते होंगे, तो पहले इसको बजाना सीख लीजिए। सिंपल कुछ नहीं है, ये देखिए हाथों को ये रखें, लेफ्ट, ठीक है। और बायां में, बायां है, इसमें क्वालिटी देखिए, ये बजाए और ये थंब के साथ पांच चार उंगलियों को मिलाया, ये छोड़ना है, ठीक है। जैसे ठीक है, अब इसको कैसे करना है, दोनों एक साथ मिलाएंगे हम, ये यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। हाँ, ये भी कहेंगे ना, ये देखिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये क्या है, छपकी। अब पूरा बजा के देखिए, इसमें चाहे थोड़ा बायां का भी खेल कर सकते हैं, देखिए है ना, ये बायां चल रहा है, कभी कभी, हमेशा कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू तो भी चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, और जब सॉन्ग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे लैंडिंग है, सॉन्ग का लैंडिंग चल रहा है यहाँ पे, तो उसमें कर सकते हैं लाइन चेंज के लिए, ये था डफली। अब मैंने आपको एक सावन बोला था, जो ओल्ड सॉन्ग है, जिसे काफ़ी पुराना सॉन्ग है, जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय का शायद सॉन्ग है ये, सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरे झूमे से जैसे बलमा नाचे, तो ये क्या है, देखिए छल्ला मैंने बताया हुआ है, एक्सरसाइज करने के लिए छल्ला, ठीक है, ये पैटर्न तो बताया हुआ था, वन टू वन टू वन टू वन टू टू वन टू टू वन टू वन टू वन टू, ये पहले एक्सरसाइज में बताया था, टू वन टू थ्री वन टू थ्री, कैसे भी काउंट कीजिए आप समझिए चीज को, वन डबल ए
छल्ला दो बार और चाटी एक बार, ये आया समझ में? और ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बायां दिख रहा होगा आपको, ये देखिए देखिए, चुटकी बजा सकते हैं तो ठीक है, चुटकी बजाए तो ठीक है, अच्छा लगेगा, बट ये भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। देखिए ये इसको खाली भरी, इसके बोल क्या, देखिए अभी अब इसको हम अगर बोल से करते हैं तो धीन टच टच के धीना धीन ठीक है। और ये फास्ट नहीं बजता है, जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर थोड़ा कोशिश करें तो इस तरह से भी बजाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये स्लो ही बजते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं साउंड, आप अपने सुविधा से जिस इस पैटर्न को जैसे समझे, और इसको आप अपना नाम दे सकते हैं, अपने नाम से तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो पैटर्न, छपकी और अब सावन, मतलब मेरे तरफ से जो नाम है इसका, आप अभ्यास करें, कोशिश करें, ना समझ में आए कमेंट्स में लिखें क्या नहीं समझ में आया, मैं फिर दोबारा इस चीज़ पे काम करूँगा, फिर दोबारा आपको एक वीडियो पर समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आसान तरीके से आसान तरीके तक समझें, बजाएं, अभ्यास करते रहें, तब जाकर ऐसा लगेगा जैसे मेरा मेहनत सफल हो रहा है। इसी के साथ जय गुरु जी।